हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि अपनी बात हुई थी कि अपन सिटिंग में स्टार्ट करने वाले रीजनिंग का, आरबीआई, एसबीआई, आईपीएस, इंश्योरेंस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट अपनी क्लास रहने वाली है। बैंक और इंश्योरेंस के जो आपके एग्जाम है 2024 के, उसके लिए काफ़ी बेनिफिट अपनी क्लास है। मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार से अपन डेली क्लासेज देख रहे हैं। आप सभी के वेलकम है जो भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं, और अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। नया चैनल अपना है ये, ठीक है, और इस प्रकार से अपने क्लासेज देखने वाले हैं। तो आज अपन देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का, आपका ये पार्ट नंबर आपका ये 1 है, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट, जो अपन बैंक और इंश्योरेंस के जो आपका एग्ज़ाम है बैंक और इंश्योरेंस का, तो इसके अंदर जो आपका पैटर्न अपन ने कल डिस्कस कर ही लिया था, इंश्योरेंस का एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपके पजल्स एंड जो सिटिंग अरेंजमेंट आपका जो होता है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है, ठीक है ना। प्रीलिम्स में आपका सिटिंग अरेंजमेंट आपका और जो पजल दोनों मिला के अपन कम से कम 20 क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं, मिनिमम 18 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। 35 क्वेश्चन का आपका ये पोर्शन रहता है रीजनिंग का प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर आपका 40 से 50 नंबर का रहता है, जिसके अंदर आपका 50 से 60% आपका जो पोर्शन रहता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का ही रहता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन आज सिटिंग अरेंजमेंट देखने वाले हैं कि कितने आपके टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आज अपन बात करते हैं लीनियर की, अपन बात करते हैं लीनियर वाले जो आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीनियर में क्या होता है कि आपको सबसे पहले एक चीज़ का याद रखना है कि जिस प्रकार से सपोज करें, अगर मैं आपको एक लाइन इस प्रकार से एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड होगा, हमेशा याद रखना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है ना। ये आपका राइट हैंड साइड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। जैसे कि आप अपन डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये होता है आपका वेस्ट, ठीक है ना। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस प्रकार से आपकी ये चीज़ें होती है, ठीक है ना। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ आपका फेस हो, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो ये आपका राइट हैंड साइड यानी कि दाया साइड आपका ये होगा, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये आपका बाया साइड होगा, ठीक है। अगर अपन इसी में बात करें, अगर आपका फेस साउथ की तरफ है, सपोज करें आपका फेस साउथ की तरफ है यानी कि नीचे की तरफ है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आपकी चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आपका साउथ की तरफ फेस है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्या, अगर आपका फेस साउथ की तरफ है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको। और इसी में आपको एक चीज़ दे दी जाती है इसके अंदर, क्या कि इसी में आपको एक चीज़ दे दी जाती है कि सपोज करें इसके अंदर आपके 7 पर्सन आपको बैठाने हैं, एक रो के अंदर आपको 7 पर्सन आपको बैठाने हैं, तो किस प्रकार से बैठाओगे, इस प्रकार से आप इस प्रकार से लाइन बना सकते हैं। 2 ये हो गया, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 7 पर्सन आपके इस प्रकार से बैठ गए। कई पर्सन ऐसे भी करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार से भी कई ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए जो आपका है बी के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, ए जो है आपका है बी के सेकेंड राइट में आपका ये बैठा हुआ है ए। अब देखिए स्टूडेंट, ए आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है राइट हैंड साइड में, ए आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है बी के। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी क्या कंडीशन बन सकती है, सपोज करें आपका ए आपका यहाँ बैठा है, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो बी आपका इस प्रकार से बैठ जाएगा, यानी कि ए सेकंड राइट में बैठा हुआ है, यानी कि ए आपका जो है बी के सेकंड राइट में बैठा हुआ, याद रखना बी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा। ए आपका जो है सेकेंड राइट में बैठा हुआ है बी के, तो बी आपका ऐसे आ जाएगा और ये आपका ए इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको राइट में चलना है तो राइट में आप इस तरफ चलोगे जब आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। अगर आपको सपोज करें नहीं देता है कि आपका फेस नॉर्थ की तरफ है साउथ की तरफ है, तो आपको नॉर्थ की तरफ ही मानना है, इस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है। नॉर्थ की तरफ फेस है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इस तरफ आप चलोगे राइट हैंड साइड की तरफ, इस तरफ चलोगे आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप इस प्रकार से चलोगे। सपोज करें इसी के अंदर आपको दे दिया जाए ऐसे कि ए आपका जो है बी के सेकंड राइट में आपका बैठा हुआ है, ठीक है ना। ए जो आपका है बी के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, वो बी की जो पोजीशन है आपकी किसी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। और आपको पता है 7 पर्सन आपके बैठे थे एक रो के अंदर, तो ये हो गया आपके 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, अगर मैं आपको बी को मैं आपका ए को मैं बी के सेकेंड राइट में बैठाता हूँ
तो क्या बी आपका यहाँ पे आ सकता है? अगर मैं किसी कॉर्नर पे बैठा हूँ, बी आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है राइट हैंड साइड में चलना है, तो बी के लिए आपके यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो बी आपको कहाँ बैठेगा? अगर आपको किसी कॉर्नर पे बैठ रहा है बी, तो बी आपका बैठेगा आपका इस कोने पे, तभी आपको सेकंड राइट में आपका ए बैठ सकता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर मैं इसी में बोल देता इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो ये सभी आपके नॉर्थ की तरफ हो गया, या आपका राइट हैंड साइड या आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसी में मैं आपको बात करूँ, ये मैं आपको बोल देता हूँ कि भाई साउथ की तरफ फेस है, अगर साउथ की तरफ फेस है तो कंडीशन आपकी चेंज हो जाएगी। क्या? दो तीन तो आपके ये हो गए, 4 5 6 और 7। अगर साउथ की तरफ फेस है तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। साउथ की तरफ जो फेस होता है ये आपका लेफ्ट होता है, ये आपका राइट होता है, ठीक है। तब एक ही पोजिशन आपकी यहाँ पे होगी। तो मैं तो एक आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको दिशा जो आपकी मेजर करनी है, राइट और लेफ्ट के बारे में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। तो एक टाइप आपका ये हो गया। दूसरे टाइप में क्या होता है, कई बार आपको क्या करता है कि सपोज करें 7% दे दिए, 8 दे दिए, 6 दे दिए, 5 दे दिए, इस प्रकार से आपको अरेंज करवाता है। ये तो आप आसानी से कर लोगे, राइट हैंड साइड की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर वाले अपन देख रहे हैं, याद रखना लीनियर, ठीक है ना। रैखिक हिंदी में अपन बोले तो रैखिक। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब बैंक एग्जाम में क्या होता है कि आपका अनसर्टन परसेंट में दे दिए जाते हैं, जैसे कि भाई पता नहीं है भी कितने परसेंट आपके बैठे हुए हैं, आपको इसके अंदर अरेंज करना है। जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि 20 से ज़्यादा आपके पर्सन नहीं, 20 से ज़्यादा पर्सन नहीं बैठेंगे, एक रो के अंदर बैठे हुए हैं। और ऐसा भी दिया जाता है कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हो, हमें पता भी नहीं कि भाई किस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, साउथ की तरफ भी हो सकता है, नॉर्थ की तरफ भी हो सकता है। अब आपको इसके अंदर क्या कंडीशंस बनानी होती है, इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये चीज़ रखना है कि आपकी बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, पहली क्लास देख रहा है, उसको भी चीज़ समझ में आए, उस प्रकार से अपन देख रहे हैं। मैं तो आपको अभी टाइप बता रहा हूँ किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनसर्टन पर्सन हो गए आपके, एक आपका टाइप आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें क्या कर देता है, आपका 10% दे देता है ऐसे, तो 5% तो इनका फेस आपका होता है साउथ की तरफ, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5% का फेस होता है आपका साउथ की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ होगा, साउथ की तरफ ऐसे। और इसी की तो फेस करते हुए आपके 5% होंगे नॉर्थ की तरफ फेस करके, तभी तो आमने सामने फेस होंगे ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यानी कि आपके आमने सामने फेस करके इस प्रकार से पर्सन आपके बैठेंगे। 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, ठीक है, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, इस प्रकार से आपके आमने सामने फेस करके बैठते हैं ऐसे। तो इस वाली कंडीशन को अपन बोलते हैं टाइप नंबर थर्ड, ठीक है ना। ये आपके आमने सामने फेस करके बैठते हैं। अगर साउथ की तरफ फेस है, आपको पता है अगर साउथ की तरफ फेस है, तो ये आपका राइट हैंड, ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा आपका राइट हैंड साइड, इस चीज़ का आपको याद रखना है। और अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो ये आपका राइट हैंड साइड होगा और ये आपका होगा लेफ्ट हैंड साइड, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बेसिक आपकी पहली क्लास ये है कि रैखिक जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके बारे में आपको अंडरस्टूड कराना है, उसको समझाना है कि आपकी डायरेक्शंस रहने वाली है। तो आप सभी को पता है आपकी डायरेक्शन कैसे रहती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये आपकी होती है वेस्ट, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर नॉर्थ की बात करता है, यानी कि ऊपर की तरफ बात कर रहा है आपसे, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपसे साउथ के बारे में बात करता है, अगर आपसे साउथ के बारे में बात करता है, याद रखना ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये आपका राइट हैंड साइड होगा, ठीक है ना। और आपको मैंने टाइप बताई दी है, 8% आपके स्पीकर से आपको बैठा के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और किन्हीं का फेस साउथ की तरफ होगा, किन्हीं का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, उसको भी अपन आसानी से अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, कल अपन क्वेश्चंस के थ्रू इसको सोल्व करेंगे। आप सबसे पहले राइट और लेफ्ट का आपको जो कन्फ्यूजन है, उसको मेरे को दूर करना था पहली क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और कल अपने 11 बजे ये सेम क्लास आपकी आएगी, मतलब किसकी, जो अपन ने देखा था आज क्वेश्चंस, और फरवरी के पार्ट नंबर 2 आएगा आपका 300 बेस्ट टाइम्स, ठीक है ना। आप मेरे साथ जुड़े होते हैं इस क्लास के अंदर, मेरा नाम सचिन सोनी, इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देखेंगे, पूरा बेसिक से चलने वाले हैं। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट अपने देखे आया, आज अपन ने बताया आपको बेसिक पॉइंट आपको बताया है, ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं रखेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लासेस में क्या होता है, बच्चों ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे। कल से अपन प्रैक्टिस करेंगे लीनियर वाले की, ऑल टाइप यानी कि सभी टाइप के अपन जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम के अंदर,
वो अपन सारा कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे साथ जुड़े होते हैं इस क्लास के अंदर, मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेस देखेंगे और चैनल मेरे नाम पे ही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार की, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय एंड गुड नाइट। अपन वापस से मिलते हैं मॉर्निंग में 11 AM पे, और ये वाली क्लास आपकी इवनिंग में होगी जिसके अंदर अपन कल से अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। थैंक यू, बाय एंड गुड नाइट।